अब हम बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है एक बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यू की तरह से काम करता है एंड इट बाइंड्स डिफरेंट ऑर्गन्स टू कीप देम इन अ प्रॉपर प्लेस। अगर ये टिश्यू ना हो तो एक ऑर्गन हमारा अलग जगह पे हो, एक ऑर्गन मतलब जो एक बाइंडिंग का काम करता है और सपोर्टिंग का काम करता है वो है कनेक्टिव टिश्यू। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट थ्रू आउट आर बॉडी एंड इट फॉर्म्स अबाउट 30% ऑफ द बॉडी वेट। बेसिकली जो कनेक्टिव टिश्यू है इज फॉर्म्ड ऑफ मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू एंड फाइबर। अगर मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक नॉन लिविंग ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है इन विच बोथ द सेल्स एंड फाइबर इज सस्पेंडेड। इसमें बोथ फाइबर्स और सेल्स आपको दिखेंगे एंड इट परमिट्स डिफ्यूजन ऑफ फूड मटेरियल, वाटर, गैसेस, सब कुछ इससे मतलब डिफ्यूज होके आराम से मतलब इस पर इट परमिट्स कि ऐसा नहीं है कि एक सॉलिड वो है कि इससे कुछ पास नहीं हो सकता एंड इट फॉर्म्स द एक्सेट्रा टू एंड फॉर्म द सेल्स। कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स जो होते हैं ये वेरियसली शेप्ड सेल्स होते हैं एंड लाइंग वाइड अबाउट इन द मैट्रिक्स, अलग अलग जगहों पे पड़े होते हैं। और अगर फाइबर्स की बात करते हैं तो फाइबर्स दे आर दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन फाइबर एंड दे आर फाउंड स्कैटर्ड इन बिटवीन द सेल्स। सो कैटेगरी ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज की अगर हम तरफ देखें तो कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर अगर हम उसको देखें तो सर्व एज द पैकिंग एंड बाइंडिंग द ऑर्गन। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू विच गिव सपोर्ट द एंटायर बॉडी एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज फॉर्म्ड ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। कनेक्टिव टिश्यूज में अगर हम प्रॉपरली अगर हम बात करते हैं तो एरियोलर, एडिपोज एंड टेंडन एंड लिगामेंट्स के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ देख सकते हो एरियोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू और इधर अगर आप देखें एडिपोज टिश्यू, वाइट फाइबर्स, येलो इलेक्ट्रिक फाइबर्स के बारे में आप देख सकते हो। तो एरियोलर टिश्यूज जो होते हैं दे आर मोस्टली वाइडली स्प्रेड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें फिब्रोप्लास्ट होते हैं, मैक्रोफाजेस होते हैं, मास सेल्स होते हैं एंड फिब्रोप्लास्ट जो होते हैं दे फॉर्म येलो एंड वाइट फाइबर्स इन द मैट्रिक्स। और मैक्रोफाजेस की बात करें तो दे हेल्प इन द एनगल्फिंग बैक्टीरिया एंड माइक्रोपैथोजेंस एंड मास सेल्स जो होते हैं ये इट सीक्रेट हेपरिन दैट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। तो एरियोलर टिश्यूज जो होते हैं वो हमें इस तरीके से मदद करते हैं। एडिपोज टिश्यू की तरफ अगर आप देख रहे हो तो दीज आर फैट सेल्स टाइप्स अगर हम इसको कहें तो इट हैज ए स्पेशलाइज सेल्स विच स्टोर फैट एंड दे प्रोवाइड हेल्प इन फॉर्मिंग पैडिंग्स। फाइब्रस टिश्यू में अगर आप देख रहे हो तो इट इज मेनली मेड अप ऑफ फिब्रोप्लास्ट एंड इट फॉर्म्स टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये जो इट हेल्प्स इन द मतलब बाइंडिंग का काम कर रहे हैं। तो सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू की अगर आप देख रहे हो तो वो सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू जो होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स एंड कार्टिलेज एंड बोन। इसमें जो मैट्रिक्स कार्टिलेज में अगर आप मैट्रिक्स देखोगे तो वो कॉन्ड्रिन होता है एंड इसके जो सेल्स होते हैं दे लाई इन द मैट्रिक्स सिंगली और इन अ ग्रुप ऑफ टू और फोर सराउंडेड बाय फ्लूइड फिल्ड स्पेस एंड ये जो कार्टिलेज होता है ये इलास्टिक होता है, मे बी इलास्टिक होता है। और अगर आप देखें पिन्ना ऑफ द ईयर जो नीचे जो कान का नीचे जो लटकता हिस्सा है उसको ये कार्टिलेज ही होता है, इस तरीके का कार्टिलेज होता है। और अगर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स में जो बोन में अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो वो ओसिन का बना होता है और मैट्रिक्स इसमें कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है। तो जो हमारी जो बोन्स होती हैं लॉन्ग बोन्स होती हैं सच एज थाई बोन अगर आप देखें तो उसमें ये मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में होता है। तो
ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, बोन सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। और ये जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं और जॉइन विद द अदर एडजॉइनिंग सेल्स एंड दीज बोन्स हैव अ सेंट्रल कैविटी विच कंटेन्स अ टिश्यू दैट प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स। एंड इस तरीके से जो सब्सटेंस द सब्सटेंस कंटेन इन द बोन कैविटी इज कॉल्ड एज बोन मैरो, जहां से ब्लड बनता है, प्लेटलेट्स फॉर्म होते हैं। तो कार्टिलेज को हम किस तरीके से कह सकते हैं, कार्टिलेज एक फ्लेक्सिबल स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है और ये सभी वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है एज अ पार्ट ऑफ यूजुअली अकरिंग एज अ इन द पार्ट ऑफ एंडोस्केलेटन। बट बोन्स जो होती हैं दे आर स्पॉन्जी एंड कॉम्पैक्ट। स्पॉन्जी बोन्स की बात करें तो ये हमारी लॉन्ग बोन्स के एंड में जो होता है उसमें ये मिलती हैं। तो कार्टिलेज कैल्सिफाइड भी होता है वेयर कैल्शियम सॉल्ट्स आर डिपॉजिटेड। बट कॉम्पैक्ट बोन्स जो होती हैं दे आर अरेंज्ड इन अ सर्कल और लेमिना और एक इसको हम इस तरीके से। तो कार्टिलेज और बोन का जो फंक्शन है हमने उसकी बात की, इसमें जो मैट्रिक्स होता है उसके बारे में जाना। तो किस तरीके से आप देख सकते हो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इसमें हेवर्सियन कैनाल के बारे में अगर आप देखोगे तो ये हेवर्सियन कैनाल के आसपास जो सेल्स हैं जो अरेंज्ड हैं वो कॉम्पैक्ट बोन को दर्शाते हैं। ये रिंग्स हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आपको दिख रही हैं। ऑस्टियोसाइट्स मैंने जैसे बताया कि सेल्स होते हैं वो बोन सेल्स होते हैं। अब बात करते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसमें अगर हम देखें तो ब्लड एंड लिम्फ आर द टू फॉर्म्स ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर ब्लड को हम इट ब्लड और लिम्फ अगर दो कनेक्टिव टिश्यू हैं तो ब्लड में क्या क्या होता है। ब्लड इट कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स फ्लोटिंग इन द फ्लूइड मैट्रिक्स नोन एज प्लाज्मा। The cells include red blood cells, white blood cells and platelets. ये जो बोन मैरो की जैसे मैंने आपसे बात की तो बोन मैरो में आपको जो ब्लड है वो वहीं से बनता है, ये जो सेल्स होते हैं वो वहीं से फॉर्म्ड होते हैं। तो जब कभी भी किसी को अगर ब्लड बनने में दिक्कत होती है या ब्लड नहीं बन पा रहा है उसका सबसे बड़ा कारण ये देखा जाता है कि उसकी क्या बोन मैरो उन सेल्स को सिंथेसाइज कर पा रही है, उन टिश्यूज को बना पा रही है। तो हम एक्सटर्नल फ्यूजन इन्फ्यूजन करके ट्रांसफ्यूजन करके हम ब्लड को देते हैं उस दौरान। इन द मेन टाइम ये चेक किया जाता है कि बोन मैरो वाकई काम कर रही है या नहीं। अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो एरिथ्रोसाइट की बात करेंगे विच हेल्प्स इन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट में। तो रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने को, वेरियस एंजाइम्स को ले जाते हैं, हार्मोन्स को ले जाते हैं एंड आल्सो द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर अब देखा जाए व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो इट दे हेल्प इन द बॉडी इन अगेंस्ट द इन्फेक्शन ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप ऑफ जो बैक्टीरिया और वायरसेस से प्रोटेक्ट करते हैं वाइट ब्लड सेल्स। इट हेल्प दे हेल्प आर बॉडी टू इंक्रीज द इम्यूनिटी। अगर आप वाइट ब्लड सेल्स आप कभी भी देखेंगे कि WBC का काउंट देखा जाता है कि जब कभी कोई इन्फेक्शन को एग्जामिन करना होता है तो वाइट ब्लड सेल का जो नंबर है वो बढ़ जाता है। दैट मींस कि वो किसी इन्फेक्शन से फाइट कर रहे हैं, वो अपनी बॉडी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो थ्रोम्बोसाइट्स को हम उनको बोलते हैं, दे हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। अगर प्लेटलेट काउंट कम होता चला जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकती है और बॉडी वीक होती चली जाती है। सो प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूड होता है, इसमें 85% वाटर होता है और 10% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि प्लाज्मा
थेरेपी से भी लोगों को ठीक करने की कोशिश की गई थी और काफ़ी उन सब चीज़ों से रिकवरी हुई, बट उसका कई जगह गलत तरीके से यूज़ होने लगा था और इस वजह से उस पर रोक लगा दी गई थी। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम भी ब्लड में मिलता है। और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो ब्लड प्रोटीन लाइक एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रोनोजन एंड प्रोथ्रॉम्बिन्स, ये सब मतलब कहीं ना कहीं आपको ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो ये जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है उसमें हमने बात कर रहे हैं ब्लड के बारे में, और ब्लड के कितने टाइप्स होते हैं, ब्लड में क्या क्या होता है, एरिथ्रोसाइट होता है, लिकोसाइट होता है, थ्रोम्बोसाइट्स होता है, और किस तरीके से उसमें प्लाज्मा, कितना परसेंट वाटर होता है, कितना परसेंट उसमें इनऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में हमने जैसे बात किया क्लोराइड्स का, सल्फेट्स का, फॉस्फेट्स का, और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में हमने एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स और फिब्रिनोजेंस के बारे में बात की। लिम्फ की अगर हम बात करते हैं तो लिम्फ जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन द इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑफ द टिश्यू, इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड। इनफैक्ट लिम्फ इज द ब्लड प्लाज्मा दैट हैज ऊज्ड आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड इट कंटेन्स व्हाइट ब्लड सेल्स एंड नॉट द रेड ब्लड सेल्स, इसमें नहीं होते हैं, केवल व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स को हम मॉनिटर पर दिखा रहे हैं, तो किस तरीके से अलग अलग वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट काउंट्स होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, ये आप इधर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नर्वस टिश्यू, जो हमारी बॉडी का अहम हिस्सा होता है। नर्वस टिश्यू में नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम का। तो जो अगर आप एक टिपिकल न्यूरॉन को अगर आप देख सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, तो उसमें क्या क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी और साइटॉन और एक्सॉन एंड डेंड्रॉन्स। तो सेल बॉडी और साइटॉन हैज साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, एंड जो भी डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। फ्रॉम द सेल बॉडी अगर आप देखो तो एक्सॉन जो आपको दिखेगा, सेल सेवरल ब्रांचेस जो आप देख सकते हो उसमें, वन ऑफ द ब्रांचेस इज क्वाइट लार्ज एंड इज कॉल्ड एक्सॉन। एक जो लंबी सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है वो एक्सॉन है। एक्सॉन अंत में जाके वो जो उसकी एंडिंग्स होती हैं वो टर्मिनेट होता है एक्सॉन एंडिंग के नाम से। एंड जो एक्सॉन है दैट इज कवर्ड बाय थ्री लेयर, इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम एक्सोलेमा कहते हैं, मिडल लेयर जो होती है वो माइलिन शीथ होती है, और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो न्यूरिलेमा होती है। तो माइलिन शीथ और न्यूरिलेमा जो होती है कंसीडर्ड एज इंटरवल्स नोन एज नोड्स ऑफ रेनवियर। और एक्सॉन जो होती है जो जहाँ पे एंड करती है ऑफ वन न्यूरॉन इज लूजली पैक्ड होती है, वो उसमें प्लेस्ड ऑन द सेल बॉडी ऑफ अनदर न्यूरॉन, एंड दिस कनेक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स। एक दूसरे से जो न्यूरॉन्स अटैच्ड होते हैं उसको कहते हैं साइनेप्स। तो जो साइनेप्स जो होता है, अदर स्मॉलर ब्रांचेस जो होती हैं गिवन आउट बाय द साइटोन आर डेंड्रॉन्स एंड विच फर्दर डिवाइड्स टू डेंड्राइट्स। तो इस तरीके से हमने बात किया नर्वस टिश्यू के बारे में। अब अगर हम एक बार रिवाइज करते हैं, अगर हम वापस देखें तो एपिथेलियल टिश्यू और उनके बारे में हमने क्या-क्या जानने की कोशिश की, तो इन शॉर्ट अगर हम व्हाट वी हैव लर्न्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, तो एक शुरुआत से लेके चलते हैं। तो प्लांट टिश्यूज के बारे में मैंने बात किया। प्लांट टिश्यूज में हमने बात की कि प्लांट जो टिश्यू होता है उसका उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, और ये जो टिश्यू होता है उनका एक कॉमन स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और ओरिजिन होता है जिससे वो एक प्रॉपर फंक्शन को अंजाम दे पाते हैं।
तो ये जो टिश्यूज़ होते हैं इनमें ये प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, ये टिश्यूज़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? पहली बात, हम क्यों पढ़ रहे हैं टिश्यूज़ के बारे में? टिश्यूज़ जो होते हैं इनके बिना हम अपने जो शरीर की जो फंक्शनल जो टेंडेंसी है उसके बारे में सोच ही नहीं सकते, या हमारी बॉडी इतनी फंक्शनल हो ही नहीं सकती। हमारी बॉडी के मूवमेंट्स, मेरा हाथ हिलाना, मेरी बोलना, ये सब संभव नहीं हो पाएगा अगर आपके टिश्यूज़ आपके लिए काम नहीं कर, बॉडी में जब टिश्यूज़ डिस्टर्ब होते हैं या किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो हम ये सब फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं। तो अगर आप देखो तो प्लांट टिश्यूज़ में हमने बात किया कि किस तरीके से प्लांट टिश्यूज़ भी, देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि प्लांट में भी टिश्यूज हैं, जबकि उन्हें किसी तरीके की अगर हम बात करें तो मूवमेंट नहीं, बट उनमें फंक्शंस हैं, तरह तरह के मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। वो कैसे संभव हो पाएंगे? वो इसी इन्हीं टिश्यूज के माध्यम से हो पाएंगे। तो जो प्लांट टिश्यूज हैं दे आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, एक है मेरिस्टमेटिक टिश्यूज और एक है परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट मेरिस्टमेटिक टिश्यूज के बारे में मैंने जैसे बताया कि हर एक जो टिश्यू है उसका अपना एक अलग यूनिक फंक्शन है। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हम तीन में डिवाइड कर सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम में वो किस तरीके से रूट टिप, शूट टिप को बढ़ाते हैं, ऐसे ही इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होती है वो इंटरनोड्स को बढ़ाएगी तब वो ब्रांचेस बनेंगे, और इंटरकैलरी की बात करें तो आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं लेटरल मेरिस्टेम के बारे में। लेटरल मेरिस्टेम आपकी सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी को बढ़ाएगी, ये कैसे जो उसका ग्रोथ है वो कैसे बढ़ेगा। तो इस तरीके से हमने टिश्यूज के बारे में बात किया। फिर परमानेंट टिश्यूज में हमने और भी बात किया, परमानेंट टिश्यूज को हमने और मेरिस्टमेटिक टिश्यू में जैसे मैंने बताया कि वो इमेच्योर सेल्स होते हैं, बट इन परमानेंट टिश्यूज में अगर आप देखोगे तो परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो उसमें हमने सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स के बारे में बात किया। सिंपल टिश्यूज में जब हमने बात किया तो सिंपल टिश्यूज में हमने पैरेन्काइमेटिस सेल के बारे में बात किया, कोलोरेन्काइमा के बारे में बात किया, हमने बात किया किस तरीके से ये कवर करते हैं हमारे प्लांट्स के और कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। फिर हमने बात किया परमानेंट टिश्यूज के बारे में। परमानेंट टिश्यूज में हमने जैसे बात किया जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं वो दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड वाटर, तो फ्रॉम रूट टू लीव। तो आप देखिए कितना महत्वपूर्ण फंक्शन है अगर आप इसको अगर देखें तो जाइलम एंड, और ये अक्सर का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या डिफरेंस है। आप उसको, और इतने पहले मुझे याद है कि जब मैं खुद भी आपके मतलब तरह जब ये क्लास में पढ़ रही थी तो मुझे भी ये जाइलम एंड फ्लोएम को पढ़ना ऐसा लगता था कि भाई इसको याद करना है, इसको ये पढ़ना है इस तरीके से, याद इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। आप कैसे समझ सकते हैं इसके लिए? इसमें देखिए पढ़ना तो जरूरी है और उसके लिए आपके हमारा जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है वो अपने आप में इतना ही मजबूत है कि आप अगर उसको पढ़ें तो शायद हम जैसे जो टीचर्स हैं आपको उनकी जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद समझ पाएंगे। तो जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में आप बात करो तो जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, अपटेक ऑफ वाटर, और अगर फ्लोएम की बात करें तो वो आपके ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड न्यूट्रिएंट जो भी मेटाबॉलिक मेटाबोलाइट्स हैं उनको ऊपर से नीचे ले जाने में काम करता है। तो ये बात हुई कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में। अब और आगे बढ़ा जाए तो हमने एनिमल टिश्यूज के बारे में बात की, एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में बात की, जिसमें हमने स्ट्रेटेड इनवॉलेंट्री मतलब ये तो कनेक्ट वो उसमें बात किया। तो एपिथेलियल में हमने जैसे बात किया उसमें तरह तरह के कॉलिमिनार स्क्वैमस ये कैसे जैसे उसमें बताया कि वो प्रोटेक्शन में एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो हेल्प इन द प्रोटेक्शन, सेंसरी में काम करते हैं, आपको प्रोटेक्शन करते हैं। तो किस तरीके से ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, फिर कनेक्टिव टिश्यूज कैसे आपको कनेक्ट कर आपके बॉडी ऑर्गन्स को बाइंड करते हैं, किस तरीके से कितना महत्वपूर्ण फंक्शन है। मस्कुलर टिश्यूज के बारे में बात किया तो उसमें स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में बात की, स्ट्रेटेड मसल्स किस तरीके से कार्डियक मसल्स हैं वो अपना काम करती हैं, और अगर ये
ये जो ब्लड फ्लो होता है हार्ट में वो किस वजह से संभव है? इन्हीं कार्डियक मसल्स की वजह से। जब कभी भी हम कार्डियक चेकअप के लिए भी जाते हैं तो उसमें वो काफ़ी बातें बोलते हैं कि इसमें ये मसल्स इस तरीके से या ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है या कुछ है जो भी है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इन मसल्स का जो कंट्रोल होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। और अगर हम नर्वस टिश्यूज की बात करें तो नर्वस टिश्यूज में मैंने बताया कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम। तो कैसे अगर आपको किसी भी तरीके से अगर थोड़ा सा भी कुछ जलने का या किसी भी तरीके की सेंसेशंस होती हैं तो वो नर्वस टिश्यू के माध्यम से आपको आप कर पाते हो। तो ओवरऑल अगर ये कहा जाए तो हमने आज इस लेसन से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि ये जो टिश्यूज हैं दे आर अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ आर बॉडी एंड इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए आपसे ये कहा जाता है कि आप अपने अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को अपनी शरीर को तंदुरुस्त रखने की तरफ भी ध्यान दें और खूब खाएं और पिएं और मतलब अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे आपके पास अच्छा सेल्फ लर्निंग मटेरियल। और किसी भी तरीके का अगर आपको सुझाव देना है, किसी भी तरीके के जगह पे आपको लगता है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आप बकायदा हमारे उसमें हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना और धन्यवाद आपका।